गाइस, इन दिस वी आर डिस्कसिंग क्वेश्चन नंबर 4। तो अगर आप क्वेश्चन नंबर 4 को देखोगे ना, तो दिस इज समहाउ डिफरेंट। ये क्वेश्चन दिख रहा अलग नहीं है, पर ये थोड़ा सा अलग है क्वेश्चन, बिकॉज ये जो है दैट इज नॉट विच वी नीड टू कॉन्सेंट्रेट। अगर हम डायरेक्ट एलोकेट कर देंगे तो हो सकता है हमारा गलत हो जाए। तो इसमें क्या बोल रहा है, क्लासी जो है वह एंटर हुआ है इन टू अ 10 ईयर लीज कॉन्ट्रैक्ट विद द लेसर टू यूज द इक्विपमेंट। हम क्या है, मतलब एक क्लासी जो है वह एंटर हुआ है 10 साल के लीज कॉन्ट्रैक्ट में लेसर के साथ। द कॉन्ट्रैक्ट इंक्लूड द मेंटेनेंस सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द लेसर। और जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें क्या इंक्लूड है, मेंटेनेंस सर्विस है। कॉन्ट्रैक्ट में मेंटेनेंस सर्विस है एज प्रोवाइडेड बाय लेसर प्रोवाइड करेगा, एंड लेसर ऑब्टेन इट्स इंश्योरेंस फॉर द इक्विपमेंट। उसके बाद एनुअल पेमेंट जो है वो हमें दे रखा है 10,000, 1,000 जो है वो मेंटेनेंस सर्विस के लिए बोल रखा है, और 500 जो है इंश्योरेंस कॉस्ट के लिए बोल रखा है। एंड द लेसी इज एबल टू डिटरमाइन दैट द सिमिलर मेंटेनेंस सर्विस एंड इंश्योरेंस कॉस्ट आर ऑफर्ड बाय थर्ड पार्टी इतना इतना कर रही है, 2,500 रुपये। एंड द लेसी इज अनएबल टू फाइंड एन ऑब्जर्वेबल स्टैंड अलोन रेंटल अमाउंट फॉर सिमिलर इक्विपमेंट बिकॉज लीज विदाउट द रिलेटेड मेंटेनेंस सर्विस प्रोवाइडेड बाय द लेसर। हाउ वुड द लेसी एलोकेट द कंसिडरेशन टू द लीज इक्विपमेंट। कैसे जो है लेसी एलोकेट करेगा कंसिडरेशन टू द लीज इक्विपमेंट लीज कंपोनेंट में। तो इफ वी टॉक अबाउट द केस, तो यहाँ पे हमें क्या है, एक ये देखना है, एक तो कि हम कैसे माने उसका, मतलब कि हमें लीज कंपोनेंट निकालना है और मेंटेनेंस सर्विस का। अगर हम इंश्योरेंस कॉस्ट की बात करें तो इंश्योरेंस कॉस्ट को हम कोई सेपरेट ऑब्लिगेशन ही नहीं मानेंगे, तो इंश्योरेंस को हमें ये लिखना होगा इन द नोट दैट इंश्योरेंस जो कॉस्ट है दैट इज नॉट अ सेपरेट सेपरेट ऑब्लिगेशन नहीं, वो मेंटेनेंस सर्विस के साथ ही है। और अगर फिर हम एलोकेट करेंगे द टोटल पेमेंट ऑफ, तो हमें किसके अकॉर्डिंग करना है, टोटल पेमेंट ऑफ विथ दीज प्राइजेस इन द सेंस कि जो 10,000 है उसमें से 2,000 हम ये मान रहे हैं कि 10,000 में 2,000 आउट मतलब आउट ऑफ 10,000 2,000 जो है द सेम इज रिलेटेड है टू व्हाट, टू द मेंटेनेंस सर्विस, एंड द रिमेनिंग बैलेंस विच इज द 8,000 रिलेट करती है टू द लीज कंपोनेंट। तो इसको हम लिख भी सकते हैं फर्दर, और क्वेश्चन में क्या बताया है वैसा भी हम देख सकते हैं। दिस इज TYQ 4 है, इसमें हम बोलेंगे, इसमें हमें नोट डालते हुए लिखना है दैट जो इंश्योरेंस कॉस्ट है, जो इंश्योरेंस कॉस्ट है इज नॉट टू बी ट्रीटेड एज, हम क्या बोल रहे हैं, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट टू बी ट्रीटेड एज सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट। इंश्योरेंस जो इंश्योरेंस कॉस्ट है द सेम इज नॉट टू बी ट्रीटेड एज सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, और मतलब वी हैव मेंटेनेंस कॉस्ट है हमारी, मेंटेनेंस कॉस्ट कितनी है, मेंटेनेंस कॉस्ट जो है दैट इज अमाउंटिंग ₹2,000 है, मेंटेनेंस कॉस्ट अमाउंटिंग 2,000 है। सो जो हमारा 10,000 है उसमें से हम लेस कर देंगे, ₹2,000 को लेस कर देंगे, तो अकॉर्डिंगली वी विल गेट 8,000 एज आर लीज कॉम्पोनेंट। तो हमारे पास लीज कॉम्पोनेंट आ जाएगा एज अ, इसमें हमें अजम्पशन लेना जरूरी है दैट वी हैव ट्रीटेड द इंश्योरेंस कॉस्ट नॉट टू बी ट्रीटेड एज अ सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। इफ आई टेक यू टू द इंस्टीट्यूट सोल्यूशन, तो इंस्टीट्यूट ने भी समहाउ ऐसे ही लिखा है इज दैट जो ऑब्जर्वेबल स्टैंड अलोन प्राइस है फॉर द मेंटेनेंस सर्विस, जो ऑब्जर्वेबल स्टैंड अलोन प्राइस जो हमें दी है, स्टैंड अलोन प्राइस जो हमें दी है फॉर द मेंटेनेंस सर्विस इज 2,000। देर इज नो ऑब्जर्वेबल स्टैंड अलोन प्राइस फॉर द लीज। फर्दर द इंश्योरेंस कॉस्ट जो है दैट द सेम डज नॉट ट्रांसफर नहीं करेगी कोई गुड्स और सर्विस टू द लेसी। जो इंश्योरेंस कॉस्ट है वो इट विल नॉट ट्रांसफर एनी गुड्स और सर्विस टू द लेसी, देयरफॉर इट इज कोई वो सेपरेट लीज कंपोनेंट नहीं है। तो जो लेसी एलोकेट करेगा 8,000 टू द लीज कंपोनेंट। होप दैट दिस वीडियो मे वर्दी फॉर यू एज वेल, बिकॉज आई वॉज ऑल्सो इनिशियली कन्फ्यूज, बिकॉज वॉट वी डू इज द एलोकेट करते हैं हम डायरेक्ट, एलोकेशन से भी हमारा आंसर मतलब ऐसे ही आता, बट इट द सेम इज हमें यहाँ इंश्योरेंस कॉस्ट के लिए ये लाइन लिखना जरूरी है दैट द सेम इट डज नॉट ट्रांसफर द गुड्स और सर्विस टू द लेसी, देयरफॉर इट इज नॉट अ सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट। और हमने मेंटेनेंस को जो मान लिया है ऐसे, तो हमने जो लीज कंपोनेंट का निकाला है ऐसे निकाला है। ओके okay?